तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नया नवेला, प्यारा सा, स्वीट सा, सुंदर सा, हॉट सा चैप्टर, जिसका नाम है नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। जी हाँ, यहाँ पर हम सरकार की बात भी करेंगे, गवर्नमेंट की, एंड ओपन इकोनॉमी की बात भी करेंगे। एंड ये दोनों है क्या, आइए मैं आपको एक बार अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे लिखा है नेशनल इनकम डिटरमिनेशन, इट मीन्स वही वाली बात कि यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे कि किस प्रकार दोनों इक्विलिब्रियम में आते हैं, किस प्रकार देश में इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि देश में गवर्नमेंट भी है एंड इस बार देश ओपन इकोनॉमी है। अब गवर्नमेंट भी है, ओपन इकोनॉमी भी है, भैया एक बार जरा समझाओ इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो। तो बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के या फिर एग्रीगेट डिमांड के होते हैं चार कॉम्पोनेंट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड, इसके होते हैं चार कॉम्पोनेंट। कौन कौन सा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। एंड इसको याद करने का तरीका मैंने बता रखा है कि क्या हुआ, एक बार की बात थी, मैं सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह उठ के मैंने कोलगेट किया, मैं इंडिया गेट गया, मैं अपनी एक्स से मिला, और यू नो एक्स से मिलते मेरे को सारे के सारे अपने खर्चे, टोटल खर्चे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर याद आ गए। लेकिन अब तक जो हम इस यूनिट को पढ़ रहे थे, इससे पहले हम अब तक जो पढ़ रहे थे, हम लोग टू सेक्टर के अनुसार पढ़ रहे थे। व्हाट डू मीन बाई टू सेक्टर? हम टू सेक्टर के अनुसार पढ़ रहे थे। हम मान रहे थे कि देश में केवल और केवल हाउस होल्ड है जिनका काम कंजम्पशन करना है, एंड देश में केवल प्रोड्यूसर्स है जिनका काम इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब तक हम एग्रीगेट डिमांड के केवल दो ही कंपोनेंट को मानकर पढ़ते थे कि देश में कंजम्पशन होती है एंड इन्वेस्टमेंट होती है। अब तक गवर्नमेंट का या फिर नेट एक्सपोर्ट का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को, आज की क्लास से, आज से हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए देश में तीन सेक्टर है, तो कंजम्पशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, एंड अब देश में सरकार आ गई तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा। एंड हम जब थोड़े आगे बढ़ जाएंगे इस यूनिट में तो हम बात करेंगे फोर्थ सेक्टर की, एंड इसका मतलब है कि देश में कंजम्पशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, सरकारी खर्चा भी होगा, एंड प्लस अब देश में नेट एक्सपोर्ट भी होगा। तो हम लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है जब देश में केवल दो सेक्टर है। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो थ्री और फोर सेक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तभी तो यहां बोला गया है, क्या बोला गया है, सॉरी यहां नहीं, तभी तो यहां पर आप लोगों से बोला गया है, अबे क्या ओपन हो रहा है, नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि अब जो है हमारा देश ओपन है। ओपन का मतलब अब हम जो है दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करेंगे। अब हमारा देश दूसरे देशों के लिए खुल चुका है, अब देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा, एंड प्लस देश में गवर्नमेंट भी है, देश में सरकार भी है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि, इसलिए इसको बोला गया है कि थ्री सेक्टर, इट मीन देश में गवर्नमेंट है, एंड फोर सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ साथ देश में क्या है, अब ओपन इकोनॉमी है, अब देश में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी होगा। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो है पहले गवर्नमेंट के कंपोनेंट को समझेंगे, ये जानते हैं गवर्नमेंट के कंपोनेंट को समझेंगे, एंड आगे आने वाली क्लास में इन तीनों के बाद हम इस वाले कंपोनेंट को भी समझेंगे एंड अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर की, तो थ्री सेक्टर को हम लोग बच्चों बोल सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया? जब देश में केवल तीन सेक्टर्स हो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन जब देश में ये चारों आ जाए तो बच्चों इसी को बोलते हैं क्या, ओपन इकोनॉमी। समझ में आ गया? तो अपने को ओपन इकोनॉमी भी पढ़ना है एंड अपने को क्लोज इकोनॉमी पढ़ना है, जहां पर हमारे पास कौन है, गवर्नमेंट है, जहां पर हमारे पास सरकार है। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली आज की जो क्लास का टारगेट है, वो टारगेट ये है कि भैया आपने ये पढ़ा दिया, आपने ये पढ़ा दिया, अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा पहले इसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे, एंड इसके बारे में जानने के बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ एंड मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में, एंड आज जो हम इस गवर्नमेंट वाले कॉम्पोनेंट को जानेंगे। अब मैं आपको एक बार दे दूँ ओवरव्यू कि मैं इस गवर्नमेंट वाले कॉम्पोनेंट में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आज हम तीन बातें पढ़ेंगे। भाई सरकार का काम क्या है? सरकार का सबसे पहला काम है खर्चा करना। तो सरकार खर्च कैसे करेगी? उसके बाद हम पढ़ेंगे सरकार के पास इनकम कहाँ से आएगी, एंड सरकार के पास इनकम आने का एक ही सोर्स है, दैट इज, मतलब बहुत सारे सोर्स हैं,
लेकिन यहाँ पे हम एक सोर्स की बात करेंगे, दैट इज टैक्सेशन। तो आज हम गवर्नमेंट में जानेंगे पहले सरकारी खर्चे के बारे में, सरकार खर्च कैसे करती है, फिर सरकार की इनकम के बारे में कि इनकम का क्या सोर्स है, टैक्सेशन का क्या सोर्स है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे सरकार की सेविंग के बारे में, सरकार की बचत के बारे में कि सरकार के पास जो इनकम आई उसमें सरकार ने कितना खर्च किया एंड कितना पैसा बचा। कि 1,000 रुपये सरकार के पास मान लो इनकम आई टैक्स के माध्यम से, सरकार ने 800 रुपये मान लो खर्च कर दिए, तो सरकार के पास 200 रुपये बच गए, सेफ हो गए। ठीक है, तो आज हम इन तीन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जानेंगे इसके बारे में पूरा, फिर इसके बारे में पूरा, एंड आपने ये और ये जान लिया फिर सेविंग तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो जितना दिखने में आसान है उतना पढ़ने में आसान है, बस लेक्चर पूरा देखना क्योंकि इसमें टेबल्स आएंगी, डायग्राम्स आएंगे, एंड ये आपका बेस बन रहा है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो 3 सेक्टर्स के लिए आपको तीनों सेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंजम्पशन की तो है, इन्वेस्टमेंट की तो है, गवर्नमेंट की नॉलेज आपको आज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनका इक्विलिब्रियम भी जान लेंगे, एंड इक्विलिब्रियम जानने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, एंड इसके जानने के बाद फिर हम एक बार अगेन क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम कैसे 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो होपफुली आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल चुका है कि हम कैसे क्या कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें अपनी क्लास को, स्टार्ट करें गवर्नमेंट के कंपोनेंट को। तो चलिए भाई साहब, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, उनकी प्यारी प्यारी सगी सगी बहनों, हाँ भाई, दिल टूटा किसी का नहीं टूटा, यहाँ पे आ जाओ। सो शुरू करते हैं अपने इस कंपोनेंट को गवर्नमेंट के। अगेन बोला मैं गवर्नमेंट के आज 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, सरकारी खर्चे के बारे में, सरकार के टैक्स के बारे में, सरकार की सेविंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकार के खर्चे के बारे में। तो सुन लीजिए, सरकारी खर्चा हमारे एग्रीगेट डिमांड का तीसरा कंपोनेंट है। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बाद जो तीसरा मेन कंपोनेंट आता है इसको बच्चों बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी सरकारी खर्चा होता क्या है, तो भाई सरकार जो है देश में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए सरकार खर्च करती है। सरकार समाज में रहने वाले लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, तुम जैसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार खर्च करती है। जैसे कि सरकार तुम लोगों के लिए स्कूल बनवाती है, तुम लोग कभी गए नहीं, तुम्हारे लिए कॉलेज बनवाए, तुमने ऑलवेज बंक मारे, तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाया, सरकार ने तुम्हारे लिए रोड बनवाई, सरकार तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत सारी खर्चा करती है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एंड देश के विकास के लिए। समझ में आ गया? एंड देख रहे हो, हम लोग तब भी सरकार को गालियाँ बकते हैं, सरकार इतना कुछ करती है हमारे लिए, सुधर जाओ, सरकार का सम्मान करो। ठीक है, अब कमेंट में आकर सम्मान मत करना कि भैया क्या क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आर्थिक मुद्दा, इकोनॉमिक्स के एंगल से पढ़ो, पॉलिटिक्स के एंगल से मत पढ़ो। तो सरकार बहुत सारे खर्चे करती है, अब इन्हीं खर्चों को बच्चों क्या बोलते हैं, इन्हीं खर्चों को बोला जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग आपको पता है कि समाज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सरकार जो भी खर्चा करती है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट पे, डिफेंस पे, इन सब पर होने वाला खर्चा। अब अगला है इसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब देखो, ये था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग, अब हम जाने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक होता है कंजम्पशन एंड एक कंजम्पशन फंक्शन, याद करो कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसी प्रकार होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कि सरकारी खर्चा काम कैसे करता है। तो यहां पर जो सरकार खर्चा करती है, यहां पर जेम कीन्स ने, आपको पता है पूरा का पूरा चैप्टर जेएम कीन्स ने दिया है, तो यहां पर हमारे जेम कीन्स भाई साहब ने माना है कि सुन लीजिए कि जो हमारी सरकार है ना, जेम कीन्स ने माना है कि सरकारी खर्चा ऑटोनॉमस है। क्या क्या कहा भैया आप लोगों ने बेटा, ऑटोनॉमस भूल गए क्या? ऑटोनॉमस का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, कि जो गवर्नमेंट खर्च करेगी, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सरकार जो खर्चा करेगी वो कांस्टेंट होगा, वो इनकम पर डिपेंड नहीं होगा, इनकम बढ़े या इनकम घटे सरकारी खर्चे पर कोई फर्क नहीं कर पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या माना है, ऑटोनॉमस, याद है कि जेम कीन्स के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी ऑटोनॉमस माना गया है, इन्वेस्टमेंट भी हर लेवल पर कांस्टेंट है, इसी प्रकार हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हर लेवल पर कांस्टेंट ही रहेगा।
समझ में आ गया? तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन। ये क्या शो करता है? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप। हाँ भाई, ये क्या शो करता है जी? ये शो करता है, ये मैंने क्या बना दिया जी, ये शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच, इनकम के बीच एंड सरकारी खर्चे के बीच, कि जो सरकार का खर्चा है एंड देश में जो इनकम का लेवल है उनमें क्या संबंध है। तो सरकारी खर्चा और इनकम के लेवल में यहां पर यह संबंध है कि वो कैसा है, ऑटोनॉमस है। सरकारी खर्चा ऑटोनॉमस है, मतलब कहने का मेरा ये है कि इनकम मेरी बढ़े या इनकम मेरी घटे, हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो मेरा क्या रहेगा जी, वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया? इट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। सो आपको बस इस पूरे की पूरी इस स्लाइड में ये याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नलायकों, ये याद रखो कि सरकारी खर्चा क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब मैं इसका अगर आपके सामने टेबल डायग्राम बनाऊं तो भाई सब जरा देखेंगे टेबल डायग्राम कैसे बनेगा। कि मान लीजिए हमारी इनकम जीरो है, खर्चा सरकार ने 20 किया, इनकम बढ़ गई, सरकारी खर्चा अब भी 20 रहेगा, इनकम बढ़ के 200, नहीं खर्चा अब भी 20, इनकम 300, अरे अब भी 20, इनकम 400, कितना ढीट है, खर्चा अब भी 20 रहेगा। सो भाई सब यहाँ पे खर्चा कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई इसको बोला गया है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है यहाँ पर ऑटोनॉमस है, इट मीन्स उसका इनकम के साथ कोनो संबंध नहीं है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो भैया डायग्राम में देख लो कैसे बनेगा। जब इनकम मेरी जीरो, खर्चा मेरा 20, यहाँ पे लिखी इनकम, यहाँ पे सरकारी खर्चा, यहाँ पे क्या मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम 0 खर्चा 20 जी, यहाँ पर पॉइंट आ गया जी। इनकम 100 तो 100 पर जी खर्चा अब भी 20, 200 पर जी खर्चा अब भी 20, 300 पर खर्चा अब भी 20 एंड 400 पर भी खर्चा 20। एंड जब मैंने इन सब पॉइंट्स को जोड़ा तो मुझे कुछ इस प्रकार का जो है कर्व निकल के मेरे सामने आया, इसी को बोलूंगा यह है मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर्व। यह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर्व है जो कैसा बना है जी, ये बना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड आपको शायद समझ में आ रहा होगा ये जस्ट उसी प्रकार बना है जिस प्रकार हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट कर्व भी तो बेटा ऐसे ही बनता है ना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी कैसा होता है जी, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस होता है। होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन की टेबल कैसे बनी एंड इसका डायग्राम कैसे बनता है। भाई साहब इस डायग्राम को और टेबल को अपने दिल में और दिमाग में बसा के रख लो, अगली क्लास में बाल्टी कर लूँ, अगली क्लास में जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो भाई साहब ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा ना तो नेक्स्ट क्लास देखने बैठ मत जाना, ठीक है, मतलब आराम से बोल रहा बेटा पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब सुनो, बात करते हैं गवर्नमेंट टैक्स की। देखो हमने सरकारी खर्चे के बारे में तो भैया बात कर ली, ठीक है, हमने सरकारी खर्चे के बारे में इसके बारे में जान लिया। अब बात करेंगे सरकार की इनकम के बारे में, सरकार के टैक्स के बारे में। अब जरा एक बात समझना बच्चों, जो सरकारी खर्चा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। अब बताओ जो गवर्नमेंट टैक्स होता है, भैया टैक्स तो सरकार की इनकम है ना, और अगर टैक्स सरकार की इनकम है तो ये बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट। याद रखना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है, गवर्नमेंट टैक्स एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट है। अब एग्रीगेट सप्लाई समझते हो ना क्या होता है? जी हाँ भैया आपने पढ़ा रखा है, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहते हैं। तो भाई साहब हमारे इनकम पे अब तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे इनकम के दो यूज। कौन से यूज? कि इनकम जो कमाएंगे उसमें से कुछ पैसा अपने कंजम्पशन पे खर्च करेंगे एंड बाकी बचा पैसा सेव करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा, अब इनकम के तीन यूज क्यों? अब देश में सरकार आ गई है ना, अब देश में कौन आ गए? मोदी जी आ गए। एंड जैसे ही मोदी जी आ गए इनकम के हो गए तीन बंटवारे। कितने बंटवारे? तीन। कि सबसे पहला कि भाई आप लोग जो कमाओगे क्या करोगे, उसमें से आप सबसे पहले सरकार को टैक्स पे करोगे। जो तुम लोग नहीं पे करते हो, टैक्स की चोरी करते हो, टैक्स की चोरी मत किया करो, नारे को टैक्स पे कर दिया करो। भैया हमारी इतनी इनकम ही नहीं है हम टैक्स पे करें, हम भी चाहते हैं कि हम उतनी इनकम कमाएं कि हम भी सरकार को टैक्स पे करें। क्या करें हमारी उतनी इनकम ही नहीं है, डोंट वरी मेरी भी उतनी इनकम नहीं है, मैं भी जो है, चलो छोड़ो मेरी इनकम को छोड़ो, मुद्दे पे आओ। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो भी कमाएंगे भाई साहब उसमें से पहले आप गवर्नमेंट को
टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के बाद आपके पास जो पैसा बचेगा आप उससे पहले अपने ऊपर उड़ाएंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, क्या पता अपनी वाली पर खर्च कर दे। एंड अपनी वाली पर खर्च करने के बाद बाई चांस कुछ बच गया, या उस पर खर्चा करने के बाद बाई चांस कुछ बच गया तो आप उसको सेव कर लेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी इनकम कितनी है 10,000, आपने सरकार को 1,000 का टैक्स पे करा, 8,000 आपने अपने ऊपर और अपनी वाली के ऊपर खर्च कर दिए, तो बच्चे 1,000 वो जाकर आपने बैंक में सेव कर दिए। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई के 3 कंपोनेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेशन। इतनी बात होपफुली समझ में आ गई होगी। तो गवर्नमेंट टैक्स का मीनिंग क्या है? तो टैक्स इज द लीगल कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द फर्म्स इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट। सही बात है, टैक्स एक लीगल कंपल्सरी पेमेंट है, कानूनी रूप से कंपल्सरी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स वाले ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स वाले ब्रैकेट का मतलब अगर आप उतनी इनकम कमाते हैं कि आपके ऊपर टैक्स बनता है तो भाई साहब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वरना कभी भी आपके ऊपर या आपके घर में रेड पड़ सकती है भाई साहब। समझ में आ गया? तो अगर आप टैक्स वाले स्लैब के अंदर आते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि नालायक हो, जाकर अपना टैक्स पे करना। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो प्लीज़ वो भी जाकर अपना जो है टैक्स पे करें। तो एक लीगल कंपल्सरी पेमेंट है जो कि एक फर्म को, कंपनी को या इंडिविजुअल हम आम इंसानों को देनी पड़ जाती है। आगे बोलता है टैक्स डिक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। अब बहुत सारे बच्चों को डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग पता होगा एंड बहुत सारे नालायक को पता नहीं होगा। तो सुनो भाई, ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? तो भैया आपने अपनी इनकम में से टैक्स पे कर दिया, अब टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचा उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं जी। कुछ इस प्रकार फॉर्मूला है कि आपकी इनकम थी 10,000, अब आपने से इसमें से 1,000 का टैक्स पे कर दिया तो आपके पास कितने बचे जी? आपके पास बचे 9,000 खर्चा करने के लिए। इसी को YD डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे, अब आपका टैक्स 1,000 से बढ़ के मान लो 3,000 हो गया एंड आपकी इनकम कितनी है 10,000, तो अब आपके पास कितनी बची डिस्पोजेबल? केवल 7,000 की आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बची। तो यहां पे वही तो कहा जा रहा है कि टैक्स डिक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, कि टैक्स से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है घट जाती है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल। अब ऑब्वियस ही बात है, जब अब इंसान के पास केवल 7,000 रुपए ही बचे, सो इट इज वेरी ऑब्वियस उसका जो कंजम्पशन वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा हम सरकार को टैक्स पे करेंगे उतना ही कम पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास बचेगा। होपफुली ये वाला पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा कि गवर्नमेंट टैक्स क्या होता है। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आपको टिक कर रहा हूं। पहले यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन, इसको शो करते हैं टी से। अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड नाउ वी आर स्टडिंग गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन। इसका मतलब कि सरकारी टैक्स इस चैप्टर में किस प्रकार काम करेगा। तो मेरी बात सुनना, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था हमने वो तो मान लिया कि सरकार की इनकम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्स है ना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं टैक्स जो है वो इनकम पर डिपेंड करेगा। एंड क्योंकि टैक्स इनकम पर डिपेंड करेगा तो उसे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि टैक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। इट मींस इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर इनकम में चेंज होगा तो मेरे टैक्सेशन में चेंज होगा। अब मेरी बात सुनो, आपको एक नॉलेज की बात बताऊं, ऐसा हमने टैक्स वाले केस में लिखा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले केस में हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि जी इज द फंक्शन ऑफ इनकम? भाई हमने वहां पे क्यों नहीं लिखा? हमने वहां पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा सरकारी खर्चा इनकम पर डिपेंड नहीं करता, एंड जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम पर डिपेंड नहीं करता तो इस प्रकार लिखना गलत है। जैसे कि मान लो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी इनकम पर डिपेंड नहीं करता तो ये लिखना भी गलत है, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन है, हमारा कंजम्पशन तो इनकम पर डिपेंड करता है तो ये लिखना सही है। हमारी सेविंग है, हमारी सेविंग भी तो इनकम पर डिपेंड करती है तो ये लिखना सही है। तो याद रखना, जो हमारे इनकम पर डिपेंड करेगा उसके लिए इस प्रकार लिखना सही है, लेकिन जो चीज़ हमारे इनकम पर डिपेंड नहीं करती उसके लिए आप इस प्रकार से फंक्शन को लिख नहीं सकते, ये लिखना गलत माना जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन क्या है, तो गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन क्या करता है, शो करता है इनकम और टैक्स के बीच एक रिलेशन को। एंड इनके बीच रिलेशन कैसा है, तो इनके बीच एक प्रकार का पॉजिटिव रिलेशन है। बच्चों
पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे जैसे देश में इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इनकम ज्यादा, भाई ऑब्वियसली बात है, आप ज्यादा पैसा कमाओगे आप टैक्स पे करोगे ज्यादा, आप कम पैसा कमाओगे आप टैक्स पे करोगे कम, बिकॉज हमारी जो टैक्स है हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। तो इनके बीच संबंध कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब कि अगर जीडीपी का लेवल इंक्रीज होगा तो सरकार के पास टैक्स वाला पैसा ज्यादा आएगा। भाई जनता की इनकम ज्यादा, जनता टैक्स पे करेगी ज्यादा। इसी प्रकार अगर इनकम का लेवल कम होगा तो टैक्स का रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बात बोलता है, जो टैक्स रेट है इट इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर बोला गया है कि टैक्स रेट को कॉन्स्टेंट माना गया, मतलब कि हम एक ही परसेंटेज से टैक्स ले रहे हैं। हालांकि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो टैक्स रेट कॉन्स्टेंट नहीं है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ता है, कभी 10% फिर बढ़ के 20% 30%। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मानना, आपको ये मानना है इनकम कितनी भी हो जाए अगर आपका टैक्स 10% से लिया जा रहा है तो फिर आपका टैक्स 10% से ही चार्ज किया जाएगा। आप चाहे 100 रुपये कमाओ चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, यहाँ पे आपका टैक्स 10% ही चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोला गया है। तो टैक्स रेट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट। बाकी मैं इसके टेबल डायग्राम को दिखाता हूँ, समझ में आपको आएगा क्यों नहीं आएगा। अरे हम पढ़ाए और समझ में ना आए, ऐसा थोड़ी होगा बेटा, हम पढ़ा रहे हैं समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखिए इनकम 0, इनकम बढ़कर 100, इनकम बढ़कर 200, इनकम बढ़कर 300 एंड भाई साहब लास्ट में 400। टैक्स रेट की बात करें तो टैक्स रेट हमने क्या माना है जी? कॉन्स्टेंट, कि इनकम कितनी भी हो, मान लीजिए हम 10% से आपका टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो जरा बताइए इनकम 0 टैक्स 10% टैक्स रेवेन्यू 0। आपने 100 रुपये कमाए, 10% टैक्स पे किया 10 रुपीज़, 200 कमाए 10% टैक्स पे किया 20 रुपये, 300 कमाए 10% टैक्स पे किया 30 एंड यहाँ पे 40। ये आपका आ गया टैक्स रेवेन्यू। एंड यू कैन सी दैट बेबीज यू कैन सी दैट कि आपकी इनकम बढ़ी आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। इट मीन्स हाँ भाई दोनों में संबंध कैसा है जी? सॉरी दोनों में संबंध कैसा है जी? दोनों में संबंध है पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट बढ़ेगा, इनकम घटेगा टैक्स रेट घटेगा। इतनी ही आसान है इको, बस मुझसे जुड़ जाओ, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मैं भूल गया बताना, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी खोल रखी थी। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है Pratham Singh 999, ठीक है। मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझे फॉलो कर लो। इकोनॉमिक्स में काफ़ी आगे जाओगे, इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग जो है करोगे, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। देख रहे हो पढ़ाने में इतना मग्न हो जाता हूँ मैं कि ये सारी बातें करना ही भूल जाता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, बीच में याद आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम अगर बनाऊँ तो देखो भाई साहब, अब डायग्राम जो बनेगा वो यहाँ पे इस साइड टैक्स रेवेन्यू इस साइड एंड इनकम इस साइड। डायग्राम टैक्स रेट का नहीं बनेगा, टैक्स रेवेन्यू का, कि आपके पास रेवेन्यू कितना आया। तो जब आपकी इनकम 0 तो टैक्स मिला 0, तो 0 पर 0 जी ये वाला पॉइंट आ गया। लेकिन जैसे इनकम 0 से बढ़ के 100 हुई, आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ के 10 हो गया। तो इनकम 100 टैक्स रेवेन्यू 10 और 100 जी ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आपकी इनकम बढ़ी 200 टैक्स रेवेन्यू 20 जी, इनकम 200 टैक्स रेवेन्यू 20 जी, 200 पर 20 ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ही 300 पर 30 तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट आ गया। एंड लास्ट 400 पर 40 सो होपफुली ये वाला पॉइंट आपका आ गया। अब जब इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है टैक्स रेवेन्यू का कर्व बन जाएगा। याद रखिएगा ये कर्व ऑलवेज आपका 45 डिग्री का बनेगा। ये जो कर्व है ऑलवेज आपका 45 डिग्री का बनेगा। ये आपका जो है बिल्कुल ओरिजिन से होता हुआ ऊपर की ओर, ये है टैक्स रेवेन्यू का आपका कर्व जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका बन गया गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन, कि इसकी टेबल कैसे आई एंड इसका डायग्राम कैसे बना। तो आपने सरकारी खर्चों के बारे में जान लिया जो एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट है, आपने सरकार की इनकम के बारे में जान लिया कि हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं सरकार की इनकम का केवल एक ही सोर्स है, दैट इज टैक्सेशन। हालांकि सरकार की इनकम के बहुत सारे सोर्स होते हैं अगर आपने कभी ढंग से इको पढ़ी हो तो, लेकिन यहाँ पे मान लो कि सरकार की इनकम का फिलहाल एक ही सोर्स टैक्सेशन एंड हमने उसके बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे सरकार की सेविंग के बारे में, सरकार की बचत के बारे में। एंड अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, अपनी आंखें दिमाग दिल सब दिल दिल नहीं आंखें और दिमाग खोल के बैठ जाओ,
टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, दिल विल खोल के मत बैठना, ठीक है, वरना उसमें कोई गलत इंसान एंट्री ले सकता है। तो सुनो, अब हम पढ़ेंगे पब्लिक सेविंग। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की सेविंग के बारे में जानेंगे। एंड इसी को अपन लोग बजट सरप्लस भी बोल सकते हैं भाई साहब। अब ये है क्या टॉपिक, आइए मैं आपको एक बार इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो एक बजट देख लो आप, हमने ये दोनों पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सरकार की सेविंग के बारे में, इसका भी टेबल डायग्राम देख के। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पूरा कॉम्पोनेंट खत्म। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है जी। ओके जी, सो देखो भाई, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, जो हमारी सरकार होती है ना, गवर्नमेंट, भाई सरकार हर साल जो है अपना एक बजट बनाती है। बजट का मतलब कि सरकार को जो है कितना पैसा खर्च करना, दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को यहां पर हमने शो किससे कराया, जी से, कि कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी। एंड दूसरा सरकार की इनकम, सरकार के पास कितना पैसा आएगा। एंड यहां पे इनकम का एक ही सोर्स क्या है, मान लीजिए टैक्स रेवेन्यू, जिसको हमने शो किससे कराया, टी से। तो यहां पर हमारे सरकार की बजट में दो बातें हैं, एक सरकारी खर्चा एंड टैक्स रेवेन्यू। अब देखो भाई, यहां पर जो है ना तीन केस बन सकते हैं, एक केस, दो केस, तीन केस। सबसे पहला केस कि मान लीजिए सरकार के पास इनकम आई ज़्यादा, सरकार का टैक्स है ज़्यादा, एंड सरकार ने खर्च केवल किया मान लो 800 रुपये। तो यहाँ पे सरकार की इनकम है ज़्यादा, सरकार का खर्चा है कम, तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसा बचा कि नहीं बचा। यहाँ पर पैसा बच गया ना, 1000 रुपये आए थे, 800 रुपये खर्च हुए, सरकार के पास यहाँ पर 200 रुपये जो है बच गए। इसी को क्या बोलूँगा, इसी 200 को जो बचा, जो इनका डिफरेंस निकाल के बचा, फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला है इसमें से ये माइनस करना है। तो हमारे पास जो बचा, इस बचे हुए अमाउंट को बच्चों बोलते हैं बजट सरप्लस। क्या बोलेंगे आप इसको, बोलेंगे बजट सरप्लस, या फिर आप इसको बोलेंगे पब्लिक सेविंग, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सेविंग। सरकार के पास 200 रुपये की सेविंग हो गई, बिकॉज पैसा आया ज़्यादा, खर्च हुआ कम। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के पास पैसा आया कम, लेकिन सरकार के पास मान लीजिए खर्च हुआ ज़्यादा, आए 1000 रुपये, खर्च हुए 1300 रुपये। इस बार यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा है ज़्यादा, सरकार की इनकम है कम। इस केस में तो जो हमारी सेविंग है, वो चली गई माइनस में, -300 रुपये। तो बोलूँगा पब्लिक सेविंग आ गई माइनस में, या बजट सरप्लस हमारा आ गया माइनस में। एंड एक लास्ट केस ऐसा भी बन सकता है, सरकार के पास आए 1000 रुपये एंड सरकार ने खर्च भी किए 1000 रुपये, तो यहाँ पे सरकार का खर्चा एंड इनकम दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी जीरो। ना तो सेविंग प्लस में आई, ना ही सेविंग माइनस में आई, यहाँ पे बैलेंस आ गया जीरो। समझ में आ गया? तो अब हम जो है इस सेविंग की बात हम करने वाले हैं। होपफुली टॉपिक तो खैर समझा दिया मैंने पूरा, अब बस एक बार इसकी रीडिंग करवा के इसका टेबल डायग्राम बताना चाहूँगा, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या बनाया हम लोगों ने, तो पब्लिक सेविंग का जो निकल के आया फॉर्मूला, वो क्या आया कि इस टी में से जी को माइनस कर दो, सरकार की इनकम में से सरकार के खर्चे माइनस कर देंगे, तो बजट सरप्लस या फिर पब्लिक सेविंग आ जाएगा। होपफुली इतनी बात समझ में आपको आ गई, ठीक है भाई साहब। ओके भाई साहब, सो देखो जी, तो क्या बोलता है बजट सरप्लस क्या है। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नलायकों टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार का टैक्स और सरकार के बीच एक खर्चे के बीच का अंतर क्या होता है, बजट सरप्लस, दैट इज टी माइनस जी। एंड इसको हम लोग पब्लिक सेविंग भी कहते हैं। अब ये था पब्लिक सेविंग का मतलब या फिर बजट सरप्लस का मतलब। अब हम बात करेंगे बजट सरप्लस या पब्लिक सेविंग फंक्शन क्या हो? आप देख रहे हो, आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, सबसे पहले हर बार लिखा है मैंने मीनिंग एंड फंक्शन। भाई देखो, फंक्शन का सिंपल मतलब पता है क्या है, फंक्शन का सिंपल मतलब है रिलेशन विद इनकम, कि इन चीज़ों का इनकम के साथ क्या संबंध है। जैसे ही मैं कई वर्ड जोड़ दूँ फंक्शन, तो इनका इनकम के साथ संबंध क्या है। जिस प्रकार देखो, हमने यहाँ पढ़ा गवर्नमेंट टैक्स का मीनिंग, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन, कि यहाँ पे टैक्स का इनकम के साथ क्या संबंध है, जिस संबंध है पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन,
कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ क्या संबंध है, जिस संबंध ऐसा है कि इनकम बढ़े या घटे सरकारी खर्चा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जैसे ही वर्ड जुड़ रहा है फंक्शन, तो फंक्शन वर्ड जुड़ते ही याद रखना हम बात क्या करेंगे कि इनका इनकम के साथ क्या संबंध है। तो मेरी बात सुनो, यहां पर अगर देखा जाए तो बजट सरप्लस या पब्लिक सेविंग का इनकम के साथ क्या संबंध है, तो ये ना अभी आप रुको, अभी इसको पढ़ाऊंगा, आप एक बार टेबल देख लो, टेबल के देखते ही आपको इनके बीच का संबंध समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो जरा देखते हैं, तो यहां पे लिखा है इनकम, मान लीजिए 0, 100, 200, 300 एंड 400, एंड आपको पता है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैं ऐसा चल रहा हूं मान के जो मेरी टैक्स रेट है वो 10% है, कि आप इनकम कितनी भी कमाओ आपको इनकम का 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इनकम 0 उसका 10% भाई साहब जरा बोल दो, तो 0 का 10% कितना आएगा 0, 100 का 10% बोलो कितना आएगा, अरे बोलो 10, 20, 30 और 40। अब ये सरकार की इनकम आ गई, ये सरकार का खर्चा आ गया। अब सरकारी इनकम में से अगर खर्चे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बजट सरप्लस या पब्लिक सेविंग, एंड इसका यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये फॉर्मूला है इसका T-G, ये T-G क्या है, सरकार की सेविंग बोल दो, कि सरकार के पास कितना पैसा बचा, या फिर बजट सरप्लस। अब देखना सरकार ने कमाए 0, खर्च किए 20, तो कुछ पैसा बचा, कुछ नहीं बचा, उल्टा सेविंग में से 20 रुपये और चले गए। देखो ना, कुछ कमा नहीं रहे हो फिर भी 20 रुपये खर्च कर रहे हो, कुछ कमा नहीं रहे 20 रुपये खर्च कर रहे हो, 20 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, आपकी सेविंग में से, तो सरकार की सेविंग में से 20 रुपये निकाल लिए। अब सरकार ने कमाए 10, खर्च किए 20, सरकार ने कमाए केवल 10 लेकिन खर्च करे 20, अभी भी ज़्यादा खर्च करे अपनी इनकम से, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, सेविंग में से, सरकार की सेविंग यहाँ पर हो गई -10। अब कमाए भी 20, खर्च करे 20, सेविंग कुछ मिल लिया, इस बार कमाए ज़्यादा 30, खर्च करे केवल 20, इस बार सरकार ने सेविंग में पैसा डाला कि 30 कमाएंगे 20 खर्च करेंगे 10 रुपये बचाएंगे, 40 कमाएंगे 20 खर्च करेंगे 20 रुपये बचाएंगे, दैट इज निकल के आ गई आपकी क्या, गवर्नमेंट की सेविंग, पब्लिक सेविंग या बजट सरप्लस। अब मैंने अभी डायग्राम पे आते, अब मैंने बोला था कि इनके बीच रिलेशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम तो बढ़ रही है ना, 0, 100, 200, 300, 400, पब्लिक सेविंग को देखो एक बार, -20, -10, 0, +10, +20, थोड़ी बहुत मैथ आती हो ना तो बच्चों नालायक हो, ये भी बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत तो मैथ आती होगी, इतना तो तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि -20 से बड़ा होता है -10, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 20, तो यहाँ पे इनकम भी बढ़ी एंड यहाँ पे पब्लिक सेविंग भी बढ़ी, तो बताओ इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच संबंध कैसा है, इन दोनों के बीच एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध है। वही वाली बात तो यहाँ पे लिखी है कि बजट सरप्लस और पब्लिक सेविंग फंक्शन जो है ये क्या ना, क्या मापता है, वही वाली बात, ये मापता है कि रिलेशन कैसा है, किसके साथ, पब्लिक सेविंग का मतलब वही सरकार की सेविंग का एंड रियल GDP इनकम का, दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये कौन मापता है, पब्लिक सेविंग फंक्शन या फिर बजट सरप्लस फंक्शन। अब बोलता है हायर द GDP हायर विल बी द बजट सरप्लस, वही वाले बात, GDP ज्यादा बजट सरप्लस ज्यादा एंड वाइस वर्सा, GDP कम बजट सरप्लस कम। बोलता है कि पब्लिक सेविंग हमारी नेगेटिव में होगी अगर हमारे सरकार का खर्चा है ज्यादा एंड इनकम है कम। बेटा वो वाली बात तो हमने यहाँ पे कर ली, देखो सरकार का खर्चा ज्यादा इनकम कम भाई नेगेटिव में, सरकार का खर्चा कम इनकम ज्यादा भाई पॉजिटिव में, वही वाली बात जो है यहाँ बोल रहा है कि पॉजिटिव कब होगी, अगर सरकार की इनकम ज़्यादा होगी एंड सरकार का खर्चा कम होगा। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये टेबल भी हमारी हो गई, अब एक बार इसका डायग्राम देखें, डायग्राम कैसे बनेगा, पब्लिक सेविंग का डायग्राम कैसन बनेगा। सो इनकम 0, पब्लिक सेविंग -20, ओ हो 0 पर -20, सो बेबीज 0 पर -20 यही पे पॉइंट आएगा, 0 पर -20, 100 पर -10, तो ये 100 है, 100 पर -10 यही पॉइंट आ गया, 200 पर 0 ये 200 है, 200 पर 0, हाँ भाई 300 पर +10, तो 300 पर +10 ये आ गया, एंड 400 पर +20 ये आ गया, एंड जब हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो मेरे सामने वैसे स्ट्रेट लाइन आएगा, तो मेरे सामने जो कर्व बन के आया दैट इज T-G, इसी को बोलूंगा क्या,
बजट सरप्लस कर्व या फिर पब्लिक सेविंग कर्व। ये कर्व स्टार्ट होगा नेगेटिव पोर्शन से, बिकॉज स्टार्टिंग में वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। फिर कट करेगा एक्स एक्सिस को, बिकॉज वैल्यू क्या है, जीरो। एंड जैसे ही वैल्यू क्या आएगी, प्लस में, हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो दैट इज योर बजट सरप्लस फंक्शन, उसका कर्व एंड उसकी टेबल। तो यहाँ पर आज की क्लास में देखो, हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी खत्म कर लिया, सरकार की सेविंग वाला टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो मुझे गवर्नमेंट के कॉम्पोनेंट के आज तीन बात बतानी थी, कि इसमें हम पढ़ेंगे सरकार की एक्सपेंडिचर के बारे में, सरकार के टैक्स के बारे में, सरकार की सेविंग के बारे में, ये तीनों बात हम लोगों ने कर ली। होपफुली समझ में आ गया होगा। बेटा इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सो, बाकी तो मैंने आपको बोला है कि देख लीजिए, ये एक हम हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमसे कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए मेरे को फॉलो वॉलो। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय, गॉड मे ब्लेस यू, टेक केयर, ओके, गुड नाइट।